अब आपको उत्तराखंड के विधानसभा में लेकर चलते हैं, जहां बजट सत्र शुरू हो चुका है और उसी को लेकर विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। क्षेत्र जो है सेमी क्रिटिकल जोन में आ गया है, जिसमें नाबार्ड जो है कोई भी वित्त पोषण नहीं करता है। तो जनपद हरिद्वार में भगवानपुर विकासखंड में कुल 157 नलकूप अधिस्थापित हैं, जिसमें वर्तमान में 112 नलकूप सिंचाईरत हैं व 31 नलकूप अक्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त 14 नलकूप परित्याग की श्रेणी में हैं। सेंट्रल वाटर ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है, जिसके कारण भगवानपुर विकासखंड में नाबार्ड वित्तीय पोषित योजनाओं के अंतर्गत नाबार्ड की नीति के अनुरूप नलकूप पुनर्निर्माण स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं। राख सेक्टर के अंतर्गत दो संख्या 11BG और 12BG नलकूपों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जैसा कि अभी आपने अध्यक्ष हमारे सदस्य ने सतीशा ने कहा कि वो बहुत चिंतित हैं इसके बारे में, तो इसके लिए हमें कुछ नई टेक्नोलॉजी ढूंढनी पड़ेगी, जिससे कि जैसे इसराइल के अंदर होता है और स्प्रिंकलर सिस्टम होता है और एक्वा फार्मिंग होती है, हाइड्रो फार्मिंग होती है, ऐसे संसाधनों से अगर खेती हो तो मैं समझता हूँ कि कम पानी में खेती हो सकेगी। तो इसके लिए निश्चित रूप में हम लोग कृषि मंत्रालय को लिखेंगे, हॉर्टिकल्चर को लिखेंगे, पर निश्चित रूप में इसके लिए जो है नाबार्ड कोई वित्त पोषण नहीं करता। माननीय अध्यक्ष जी, भूजल की उपलब्धता के अनुरूप ये कार्य किया जा रहा है, लेकिन 2020 से हम 22 में पहुंच गए हैं, दो साल तक क्या कार्रवाई इसमें की गई? तो किसानों के लिए अन्य विकल्प बता दीजिए ना, सिंचाई किस तरह से करेंगे, क्योंकि हर घर जल हमारी पेयजल योजनाएं बन रही है, भगवानपुर ब्लॉक में लगभग हर गांव में पेयजल योजनाओं के लिए बोर किया जा रहा है, तो नलकूप जैसी महत्वपूर्ण विषय के लिए किसान की सिंचाई के लिए क्यों नलकूप स्वीकृत नहीं किया जा रहा है? आपको धन्यवाद देना चाहिए, हर घर में नल और नल तो लगा, लेकिन खेत में भी तो पानी चाहिए ना, हर खेत हरिद्वार उधम सिंह नगर ये कृषि प्रधान क्षेत्र है और प्रमुखता से यहाँ पर खेती होती है, चाहे गन्ने की फसल हो, चाहे धान की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, यही उत्पादक क्षेत्र है। और जैसा कि माननीय मंत्री जी का प्रश्न का उत्तर है, उन्होंने कहा कि भगवानपुर ब्लॉक सेमी क्रिटिकल जोन में परिभाषित किया गया है और इसमें धनराशि नाबार्ड द्वारा उपलब्ध नहीं हो सकती है। क्या माननीय मंत्री, इसमें आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या स्टेट सेक्टर में धन की व्यवस्था नहीं हो सकती, नलकूप का निर्माण नहीं हो सकता है? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, ये बहुत हल्के ढंग से लिया है, जल जीवन मिशन हम उसकी सराहना करेंगे, वो अलग विषय है, लेकिन किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तो पहाड़ में या भाबरी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में जो किसानों को अन्न उत्पादन के की दृष्टि से उनको आवश्यकता है सिंचाई की, अगर वो उपलब्धता नहीं होगी तो सरकार के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा, जनता के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। मेरा आपसे कहना है कि 162 नलकूप बंद हैं हरिद्वार जनपद में, भगवानपुर ब्लॉक में 162 नलकूप, और जो छिद्रण हो चुका है, जो छिद्रित हो चुके हैं वो बंद पड़े हुए हैं, वहाँ पानी नहीं निकल रहा है। क्या सरकार उन 162 नलकूपों के छिद्रण के या उनकी मेंटेनेंस की व्यवस्था करेगी? ये मैं आपसे आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्षा जी, 157 नलकूप अधिस्थापित हैं, जिसमें वर्तमान में 112 नलकूप जो हैं सिंचाईरत हैं और 31 नलकूप अक्रियशील हैं, जिनके उसके अतिरिक्त 14 नलकूप परित्याग की श्रेणी में आते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सदन को कि वाटर एक्सट्रैक्शन जब 70% से ज़्यादा हो जाता है तो वो सेमी क्रिटिकल स्टेज में आ जाते हैं। हमारे 4 ब्लॉक सेमी क्रिटिकल जोन में हैं, भगवानपुर, बादराबाद, काशीपुर, हल्द्वानी। तो निश्चित रूप में नाबार्ड इसमें कोई भी वित्त पोषित पोषण नहीं करता है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप में हमें जो और दुनिया के मुल्कों में जहाँ पर डेजर्ट फार्मिंग हो रही है,
रेगिस्तान के अंदर फार्मिंग हो रही है, एक्वा और हाइड्रोफोनिक फार्मिंग हो रही है, उन संसाधनों को अपनाने पड़ेंगे ताकि कम पानी के अंदर हम खेती कर सकें, वर्टिकल फार्मिंग कर सकें। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी को वृहद ज्ञान है जिसका उल्लेख अभी कर रहे थे, हमें उसके बारे में जानकारी भी नहीं हो सकती है जितना उनको ज्ञान है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि नाबार्ड से ही क्या कर्ज लेकर ही नलकूप का निर्माण किया जाना चाहिए? क्या हमारे पास और संस्थाएं नहीं है? वर्ल्ड बैंक है, ADB है, राज्य सेक्टर है, क्या यहाँ से धन की व्यवस्था नहीं हो सकती है? मैं अपने स्टाफ से कहना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि सम्मानित हमारे नेता विपक्ष ने बताया तो निश्चित रूप से उस पर हम विचार करेंगे और वर्ल्ड बैंक और भी जो भी एजेंसियां हैं उनसे प्राप्त कर धन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 5, माननीय खजानदास जी। माननीय अध्यक्ष जी, और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, माध्यम से जनपद देहरादून के राजपुर विधानसभा क्षेत्र के डांडीपुर से, और विधानसभा की इसी कार्रवाई पर हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, विधानसभा में कार्यवाही हंगामेदार रही, सवाल जवाब का जो दौर था ये बड़ा हंगामेदार रहा। सौरभ, बिल्कुल, देखिए जब जो है सदन की कार्रवाई आज पहला दिन जैसी शुरू हुई, तमाम जो है कांग्रेस के विधायकों ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र ना कराए जाने को लेकर सरकार का विरोध किया। यहाँ तक कि जो है तमाम जो है कांग्रेस के नेता विधानसभा को जाने वाला जो रास्ता था वहाँ पर धरने पर बैठे और उन्होंने अपना एक विरोध दर्ज करते हुए जरूर कहा कि सरकार के दोहरे मापदंड, जहाँ सरकार ने पहले गैरसैंण में विधानसभा सत्र कराने का दावा किया था तो वहीं हालातों को जो है बहाना बनाते हुए सरकार ने इस सत्र को अब देहरादून शिफ्ट कर दिया है, जिसको लेकर बाकायदा लोगों के मन में सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार गैरसैंण जब ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई थी तो वहाँ सत्र क्यों नहीं कराया गया। जो बद्रीनाथ से विधायक हैं राजेंद्र भंडारी, उन्होंने सीधे तौर पे कहा यात्रा मार्ग का हवाला सरकार भले ही दे रही है लेकिन यात्रा मार्ग से उस रूट का कोई लेना देना नहीं है, अगर सरकार चाहती तो गैरसैंण में विधानसभा सत्र होता जिससे तमाम जो है जो समस्या पहाड़ों की थी वो सरकार तक पहुँचती, सरकार को पता लगता कि आखिरकार किस तरीके की तैयारियाँ राज्य में जो है सरकार के द्वारा की जा रही है। वहीं अब जो है विधानसभा के भीतर जैसी सदन में कार्रवाई शुरू हुई तो पहले ही समय में जो है ये जरूर कहा गया कि गैरसैंण में सत्र नहीं करवाया गया, इसको लेकर पहले चर्चा की जाए, तो विधानसभा अध्यक्ष ने इस पूरे मामले को नियम 58 में सुनने के लिए स्वीकार किया। अब नियम 58 में इस पर चर्चा होगी, हालांकि उससे पहले प्रश्नकाल था जिसमें पहले सवाल के रूप में जो अनुपमा रावत ने PWD विभाग से सवाल जवाब किए जिसमें तमाम जो क्षेत्र की सड़कें थी उनको लेकर जो है सरकार को घेरने का काम किया गया। जी, यानी कि इस विधानसभा सत्र को देखने के बाद यूं कहा जा सकता है सौरभ कि विपक्ष भी एकदम तैयारी के साथ है, फैक्ट्स के आधार पर बात कर रहा है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष ने जो है पहले ही कहा था कि अगर बेहतर तरीके से सत्र चलाने के लिए सरकार अगर सहयोग करेगी तो जरूर जो सहयोग भी किया जाएगा, लेकिन अगर हाँ सरकार जो है नियम के अनदेखी की करती है या उनकी बातों को नहीं सुना जाता तो सदन के भीतर जो है सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के विधायक तमाम तरीके से तैयार हैं। वहीं जब जो है जो सरकार के मंत्री हैं विधायक हैं उनको भी पहले से ही भाजपा के द्वारा ये जरूर कहा गया था कि पूरी तैयारी के साथ जाएँ जिससे सरकार के जो जो विपक्ष के सवालों के जवाब हैं वो बेहतर तरीके से सरकार के मंत्री दे सके और जो है कोई भी ऐसा मौका ना दे जिससे सरकार की फजीहत हो। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से अभी देखा जा रहा है सरकार के मंत्री जवाब देते हुए थोड़े से हिचकते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कई ऐसे सवाल हैं जिस पे जो है बकायदा सरकार के मंत्री के पास जवाब नहीं है क्योंकि पहले ही सड़कों के हालात जो है किसी से छुपे नहीं है, वहीं जो ऊर्जा के हालात जो किसी से छुपे नहीं है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं सदन के भीतर जिसमें जो है विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर जो है प्राधिकरणों से जुड़े हुए मामले, तमाम इन मामलों पर जो है सरकार को घेरने का काम हो रहा है। हालांकि जो सरकार के मंत्री हैं वो फिर भी कुछ हद तक जवाब दे रहे हैं लेकिन संकट मोचक की भूमिका अगर कही जाए तो प्रेमचंद अग्रवाल भी पूरी तरीके से निभा रहे हैं जिससे विपक्ष के सवालों का सही जवाब उन तक पहुंच सके। जी सौरभ, क्या अब ऐसे में इस बजट सत्र के भीतर बिजली का मुद्दा भी उठ सकता है क्योंकि एक बार फिर से उत्तराखंड में बिजली की समस्या गहराती हुई नजर आ रही है?
बिल्कुल देखिए, बिजली की जो है लगातार समस्या गहरा रही है, मौसम जो है दुश्वारी बना हुआ है, लगातार जो है बिजली का संकट राज्य में दिखाई दे रहा है। हालांकि देहरादून में कटौती कुछ कम है, लेकिन जो दूसरे इलाके हैं, चाहे वो जो पौड़ी की बात की जाए, हरिद्वार की बात की जाए, ऊधम सिंह नगर की बात की जाए, इन तमाम इलाकों में बिजली की कटौती बहुत ज़्यादा तरीके से हो रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है, लिहाजा जिसको लेकर लोगों में रोष भी, और वो पूरा मामला जो है विधानसभा सत्र के भीतर भी जो है सुनाई देगा, क्योंकि सरकार के जो विभाग हैं वो बिजली खरीद पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। क्योंकि आज की अगर बात की जाए, सिर्फ एक ही 55 मिलियन यूनिट की जो है दरकार है अगर उत्तराखंड को पूरी तरीके से बिजली देनी है, 100% बिजली देनी है, लेकिन तमाम एजेंसियों से बिजली खरीदने के बाद भी सिर्फ 46 मिलियन ही बिजली यूनिट विभाग जो खरीद पाया है, जिससे राज्य के लोगों को कुछ राहत मिल सके। ऐसे में तमाम उन इलाकों में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर तमाम जो विधानसभा के सदस्य हैं वो सरकार का घेराव करेंगे, विभाग का घेराव करने का काम करेंगे। जी अभी जिस तरह की तस्वीरें दिख रही है, तो क्या इससे यूं भी समझा जा सकता है कि बजट सत्र अभी और भी ज्यादा हंगामेदार होने के आसार हैं? बिल्कुल देखिए, क्योंकि अभी प्रश्नकाल चल रहा है, विधायकों के सवाल जवाब हैं, सवाल जवाब के बाद लगभग जो है ये कहा जाए कि 1:30 बजे के बाद जो है तमाम और जो मुद्दे होंगे विपक्ष के वो उस विधानसभा के पटल पर दिखाई देंगे, सदन के भीतर दिखाई देंगे, जिसमें जो है लगातार ये मांग उठ रही थी कि अगर जो है सरकार के मंत्री तैयारी करके आएंगे तो शायद बच जाए, लेकिन जो तमाम ऐसे मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष जो इस समय हमलावर दिखाई देगा, और जो 2 बजे का यानी कि भोजन के बाद का जो समय है वो सरकार को जो है घेरने के लिए विपक्ष का एक माकूल समय जो दिखाई देगा। जी जिस तरह से कल तक की बातचीत चल रही थी और कहा जा रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी रणनीतियां बनाने के लिए एकदम तत्पर हैं और रणनीतियां बना चुकी हैं, कांग्रेस की तैयारी बेहतर नजर आ रही है इस बार सरकार के मुकाबले? बिल्कुल देखिए, कांग्रेस क्योंकि विपक्ष में है और विपक्ष जो है तमाम ऐसे मुद्दों को ढूंढ ढूंढ के ला रहा है जिससे जनता का सीधा सरोकार है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार से जुड़ा, चाहे वो कुंभ टेस्टिंग घोटाले का मुद्दा हो, NH-74 का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जो है सरकार को घेरने की विपक्ष पहले ही तैयारी कर चुका है, रणनीति बना चुका है, जहाँ सदन के भीतर तमाम विधायक जो है इस रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो वहीं संगठन जो है सड़कों पर इस तमाम चीज़ों का विरोध करने के लिए अपनी रणनीति बना रहा है। आज खुद गैरसैंण में सत्र ना होने के चलते पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गैरसैंण में धरना देने पहुंचे हैं, जहां पर जो है वो धरना देंगे और सरकार के सामने एक मैसेज देने का काम होगा कि सरकार जो गैरसैंण की अनदेखी ना करे, अन्यथा इस तरीके के आंदोलन और प्रदर्शन आगे भी होते रहेंगे। जी सौरभ, क्या समझा जाए अभी जिस तरह से पूरा बजट सत्र चल रहा है कि आखिर और कौन-कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए एकदम तैयार बैठा है? देखिए, प्राधिकरणों को लेकर जो है पहले ही इस मुद्दे को स्वीकार कर लिया गया, नियम 58 में चर्चा होनी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कर्मचारियों को बाहर किया गया था उन तमाम कर्मचारियों को दोबारा से पुनर्नियुक्ति देने की बात सामने आ रही है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष ने पहले ही सरकार को घेरने की रणनीति बना रखी है। वहीं सरकार ने जवाबी तौर पर अपने मंत्रियों को तैयार रहने के लिए जरूर कहा है कि जिससे सदन के भीतर जो विपक्ष के सवाल हैं उनके जवाब बेहतर तरीके से दिए जाएँ और जनता तक एक बेहतर मैसेज पहुंचे कि सरकार ने अपनी पूरी तैयारियां की थी और जो लोगों को राहत पहुंचाने का सरकार काम कर रही है। जी धामी, सरकार 2 का ये पहला सत्र है, इस बार जिस तरह से हमने शुरुआत से ही देखा कि सरकार बड़े एक्टिव मोड में नजर आ रही थी, तो क्या उतनी ही एक्टिवनेस इस बजट सत्र में भी नजर आएगी? बिल्कुल देखिए, क्योंकि 63,000 करोड़ का ये बजट इस समय पेश होने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले सरकार ने जो पहला बजट किया था उसमें जो है लेखा अनुदान जो है 8,000 करोड़ का पास हुआ था, जिसमें 3 महीने के जो खर्चे सरकार के जो है उसमें शामिल किए गए थे। वहीं जो इस बार पूरे 22-23 वित्त वर्ष के लिए लगभग जो है 63,000 करोड़ का जो बजट है वो इस समय प्रस्तावित है, जो लगभग 4 बजे सदन के पटल पर रखा जाएगा। खुद जो है वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस बजट को रखेंगे, उन्होंने लोगों के साथ रायशुमारी की है, चाहे वो व्यापारी तबका हो, युवा तबका हो, शिक्षक हो, बेरोजगार, तमाम लोगों से उनकी जो है बातचीत हुई और उस तमाम बातचीत के बाद इस बजट को तैयार किया गया है, जो सदन के पटल पर शाम को 4 बजे रखा जाएगा। जी सौरभ, चुनाव से पहले जिस तरह से धामी ने लगातार योजनाओं की एक बाढ़ सी ला दी थी, उसको लेकर कांग्रेस ने मुद्दा भी बनाया था कि सिर्फ घोषणाएं की जा रही हैं, धरातल पर कुछ नहीं है, सैकड़ों में वो योजनाओं का ऐलान किया गया, वादे किए गए, लेकिन उनका केवल 20% से भी कम शासनादेश हुआ था। अब ऐसे में उसको लेकर भी क्या घेर सकता है विपक्ष सरकार को? देखिए,
बिल्कुल देखिए, 100 दिन के लिए बकायदा मुख्यमंत्री के द्वारा जो एक रोड मैप तैयार किया गया है, 100 दिन का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिरकार सरकार के जो आदेश हैं उस पर जो अधिकारियों ने कितनी गंभीरता के साथ काम किया है या मुख्यमंत्री की बातों को अधिकारी कितनी गंभीरता के साथ ले रहे हैं, ये 100 दिन के भीतर ही पता लगेगा जब 100 दिन पूरे हो जाएंगे। ऐसे में ये कहना जल्दबाजी होगा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की और घोषणा जो है धरातल पर नहीं दिखाई दी, क्योंकि समय नहीं है, क्योंकि जब भी जो है कोई घोषणा होती है तो उसके लिए बकायदा DPR बनने में, शासन आदेश जारी होने में समय लगता है। अगर समय लगता है तो जैसी बात है उस समय का जो इंतजार करना होगा, उसके बाद ही बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। हालांकि विपक्ष के पास इस तरीके का कोई ऐसा मामला नहीं जिससे यह कहा जा सके कि कोई घोषणा हुई और उसको जब पूरा नहीं किया गया, क्योंकि पूर्व में जो घोषणा की गई थी उनमें जो है लगभग जो 50% से ज्यादा योजना पूरी हो चुकी है और कुछ पर काम अभी भी गतिमान है। जी, उत्तराखंड में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो पलायन का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, रोड कनेक्टिविटी का है। ऐसे में ये मुद्दे भी बजट सत्र में उठाए जा सकते हैं। देखिए, क्योंकि प्रश्नकाल चल रहा है, तमाम जो है मुद्दे हैं ऐसे, चाहे वो पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो जो पलायन से जुड़ा हो, चाहे वो जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हो, शिक्षा की बदहाली से जुड़ा हुआ हो, या जो रोजगार से जुड़ा हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो है लगातार लगभग जो है ये कहा जा सके, क्योंकि 3 दिन का जो है एक बिजनेस प्लान सरकार के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को जो सौंप दिया गया जिस पर जो है चर्चा होगी। लेकिन जो ये 6 दिन का सत्र है, 14 से 20 तारीख तक, इन लगभग जो है 6 दिनों के इस सत्र में तमाम ऐसे मुद्दे जो है दिखाई देंगे जिनको लेकर जो है जनता से कांग्रेस की बातचीत हुई। उस बातचीत के बाद जो इन मुद्दों को जो है चुना गया और उन चुने हुए मुद्दों पर ही जो है सरकार को घेरने का काम होगा, चाहे वो सड़क की बात की जाए या सदन की। जी सौरभ, अगर देखा जाए तो इस बार का जो बजट है वो 63 करोड़ के आसपास का है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमेशा कोई सी भी पार्टी रही हो सत्ता पक्ष में, उसे बजट बड़ा बेहतर लगता है, विपक्ष को हमेशा वो बजट खराब नजर आता है। इस बार का बजट प्रेमचंद अग्रवाल ने तो कह दिया कि बड़ा जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ होगा, जनता का बजट होगा, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये 63,000 करोड़ का बजट है, बहुत सारी उम्मीदें जो है राज्य के लोगों को भी है इस बजट से, और तमाम उन विभागों के डेवलपमेंट की भी बात हो रही है जहां अभी जो है 4 बजे का इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल खुद जो है दावा कर रहे हैं कि ये जनता से जुड़ा हुआ बजट है, तमाम लोगों से जो है बातचीत करने के बाद इस बजट को तैयार किया गया। हालांकि विपक्ष भी ये बात को जरूर कह रहा है कि लोगों से बातचीत जरूर की गई है, लेकिन उसको कितना जो है अपने बजट में जगह दी है ये अपने आप में देख रहा होगा, क्योंकि 4 बजे जब ये बजट पेश होगा तो बहुत सारी चीज़ों का और भी खुलासा होगा कि आखिर सरकार के जो मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री, उन्होंने कितने लोगों से बातचीत करी और उस बातचीत का जो निष्कर्ष क्या निकला जो बजट में दिखाई देगा। जी शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने इस्तीफा दे दिया है, कहा कि पार्टी के साथ चलने में असहज हूं, अपने फेसबुक वॉल पर इस्तीफे की जानकारी भी देती है। उत्तराखंड में आपको झटका, यानी कि आम आदमी पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने दिया इस्तीफा, कहा पार्टी के साथ चलने में असहज हूं, अपने फेसबुक वॉल पर इस्तीफे की जानकारी दी और इस्तीफे की एक फोटो भी शेयर की, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, एक के बाद एक झटका आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड के भीतर लग रहा है, किस तरह से देखा जाए? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी जिस तरह से तेजी के साथ उत्तराखंड में आई थी, उसी तरह से धीरे धीरे कहीं ना कहीं गर्त की तरफ जा रही है। क्योंकि अगर बात की जाए, जिस तरह से बड़े नेता थे कर्नल कोठियाल और भूपेश उपाध्याय, इससे पहले इस्तीफा दे चुके हैं, दोनों ने ही BJP का दामन थाम लिया। और जिस तरह से अब आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बाली, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और साफ तौर से उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि पार्टी में कार्य करते हुए असहज महसूस कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। जिस तरह से बात की जाए, पंजाब में अचानक एक तरफा सरकार भाजपा ने आपने बनाई और उसके बाद कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि आप एक उभरती हुई पार्टी होगी, लेकिन उत्तराखंड में पूरे तरीके से आपका जनाधार खिसकता जा रहा है, क्योंकि जितने बड़े नेता हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अगर बात की जाए, आपके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने इस्तीफा दिया है तो उसके बाद लगता है कि कहीं ना कहीं आपको उत्तराखंड में जनाधार बनाने में दिक्कत होगी। जी भरत, क्या समझा जाए कि जिस तरह से सारी चीजों को देखा जा रहा था,
और जिन योद्धाओं के दम पर उत्तराखंड के भीतर चुनाव लड़ने के लिए उतरी थी, मैदान जीतने के लिए आम आदमी पार्टी जीती थी, उन्हीं योद्धाओं ने हाथ खड़े कर दिए। अब देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब आप पार्टी विधानसभा का चुनाव उत्तराखंड में लड़ रही थी तो तीन बड़े नेताओं के नाम सामने आए थे, जिसमें कर्नल कोठियाल, भूपेश उपाध्याय और आपके नेता दीपक बाली थे, जो अपने अपने क्षेत्र से चुनाव भी लड़ रहे थे। लेकिन सबको ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, बुरी तरीके से जनता ने उन्हें नकार दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं आप उत्तराखंड में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए लगी हुई थी, लेकिन जिस तरह से कर्नल कोठियाल और उसके बाद भूपेश उपाध्याय और दीपक बाली ने इस्तीफा दिया है, तो उससे लग रहा है कि अब आपको उत्तराखंड में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े नेता को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन बड़ा नेता कौन होता है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से दीपक बाली से हमारी फोन में बात हुई, उनका कहना है कि वो कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय लेंगे और राजनीति में ही जल्द निर्णय लेंगे, और इस संबंध में वो मंगलवार को प्रेस वार्ता देहरादून में करने की बात भी उनके द्वारा कही गई है। शुक्रिया भरत आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बीजेपी समर्थक मंच के 5 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड में पूर्व युवा मोर्चा नेता विशाल मनवाल को बीजेपी किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस दौरान समारोह में मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शार्प शूटर देवेंद्र सिंह चौहान ने मनोनीत पत्र सौंपा। डोईवाला के भगवानपुर सनगांव में हुए कार्यक्रम में बीजेपी समर्थक मंच किसान मोर्चा ने उत्तराखंड में मंच का गठन करते हुए तमाम नेताओं को जिम्मेदारी देते हुए आशा जताई कि मनोनीत सभी नेता अब मंच को मजबूत करने के साथ बीजेपी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाएंगे। कार्य समिति का मैं सदस्य रहा हूं, क्रीड़ा भारती में मैं रहा हूं, और चुनाव में हमेशा त्रिवेंद्र जी के साथ कंधे पे कंधा मिला के मैं खड़ा रहा हूं, और जैसा उनसे भी जो भी राय लेंगे तो उनसे काम करेंगे और भाजपा के लिए हमेशा काम करेंगे, यही हमारा एक उद्देश्य है। 13 जिलों में संगठन खड़ा करेंगे, 13 जिलों में भाजपा के लिए काम करेंगे, और जो विधानसभा की जो इकाइयाँ होंगी उसमें से अपने जो भी पदाधिकारी हैं उनको बनाएंगे। समर्थक मंच का काम वही है जो बीजेपी का है। बीजेपी ने जो भी किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो भी काम किया है उसका प्रचार करना, लोगों को बताना घर घर जा करके, जो बीजेपी के कर्मचारियों से कुछ छूट जाता है व्यक्तियों से, वो हमारा संगठन काम करेगा। हर तरीके से हिंदुओं को संगठित करना, उसको मजबूत देना, ये हमारा काम है। बीजेपी से जो भी कहीं इधर उधर हिलेगा उसको हम बांध करके एक गुलदस्ते की तरह से रखेंगे। ये बिल्कुल तभी हुए, नहीं तो जीत जो है, अगर जनहित के काम ठीक नहीं होते तो जीत कहाँ से होती। निश्चित तौर से जो है, जब अच्छा काम करेगा तभी आदमी दोबारा जीतेगा, दोबारा सत्ता पाएगा। भाजपा समर्थक मंच को आगे बढ़ाने वाले हैं? बिल्कुल, भाजपा समर्थक मंच को बहुत आगे बढ़ाएंगे, और जो भी नीतियाँ जो है भाजपा सरकार की होंगी उसको तो जन जन तक पहुँचाएगा जाएगा। जो उनसे प्रचार प्रसार में जो है छूट जाता है उसको भी जो है घर घर तक पहुंचा जाएगा। बजट को लेकर जहां विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं बजट पेश होने से पहले तमाम लोगों को साथ रखने वाला यह बजट सरकार बता रही है। आज 63,000 करोड़ का बजट पेश होना है। इसकी जानकारी देते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत करते हुए कहा कि किसान, युवा, व्यापारियों और पर्यटन से जुड़े लोगों को इस बजट में महत्वपूर्ण जगह दी गई है। राज्य का बजट आज पेश होने जा रहा है, बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। सर, किस तरीके का बजट, कैसी उम्मीद की जाए? जनता के हितों को हम जिस प्रकार से, हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, उसको कहीं ना कहीं आप इस बजट में पाएंगे। और जनता का बजट जनता के लिए बजट, जनता की सरकार के द्वारा। और जिस प्रकार से आपने देखा कि हमने आम जनता से सुझाव मांगे, हितधारकों से उनसे सुझाव मांगे, उनसे बैठ के हमारी चर्चाएं हुई हैं, ये सब पहली बार हुआ। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये सारी बातें बजट में आपको दिखाई देंगी। लेकिन विपक्ष तो सवाल खड़े कर रहा है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, भले ही आप लोगों ने तमाम लोगों के साथ जो है संवाद भी स्थापित किया, रायशुमारी भी की। अभी बजट पेश नहीं हुआ, वो कैसे कह सकते हैं? और मैं भी अभी बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि मैं उसमें क्या देने वाला हूँ, तो विपक्ष कैसे कह सकता है? क्योंकि यदि बजट पेश होने से पहले वो अपना अनुमान लगा रहे हैं तो इससे अंदाज लगा सकते हैं, उनका सिर्फ ध्येय विरोध करना है, विरोध करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक बजट पेश नहीं हुआ उस पर उनको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इस बार का बजट, वैसे हमारी सरकार हमेशा बजट बहुत अच्छा देती रही है, इस बार का बजट हर क्षेत्र को हम लोग उसमें कुछ ना कुछ उनके लिए प्रावधान करने वाले हैं, और निश्चित रूप से आप समझिए कि अच्छा बजट ही होगा। किसानों से, युवाओं से, तमाम जो व्यापारियों से आप लोगों ने बातचीत की, क्या इन सबको भी जो है ये छूने वाला बजट होगा?
मैंने कहा ना कि ये पहली बार एक्सरसाइज की है हमारे द्वारा कि हम लोग हितधारकों से मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मौजूद रहे, 3.5 घंटा हम नैनीताल में बैठे हैं कुमाऊं मंडल के उन हितधारकों के साथ, और 2.5 घंटा देहरादून में बैठे गढ़वाल मंडल के तमाम उन हितधारकों के साथ, और 27 मई 2022 तक हमने सामान्य जनता से भी अपने सुझाव मांगे। तो आप देखिए, ये सारी चीज़ें हम खाली औपचारिकतावश नहीं कर रहे हैं, और हमने जनता को कहा है कि हम उसमें पेश कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसमें जोड़ रहे हैं, और किसानों से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, महिलाओं से संबंधित हो, व्यापारियों से संबंधित हो, युवाओं से संबंधित हो, पलायन के लिए जो बात आती। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।